Hi friend, this is Asim Imran Kamal Prince. Today I will discuss the landmark case of company law, which is mentioned in our case mat in case number 7, In re Sir Dinshaw Mackenzie Pettit. ये 1927 का केस है. इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे फोकस करते हैं, और इस बात को ध्यान रखना है कि इस केस का जो डॉक्ट्रिन जो बेस्ड मतलब कि जिस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो पहले डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस केस में. अब इस केस के फैक्ट पे जाते हैं. इस केस का फैक्ट ये है कि एक मिस्टर डिनसॉ होते हैं जो 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, और जितने भी उसके शेयर होते हैं उसमें सारे शेयर जो है वो अपने पास ही रखता है. सिर्फ 3 शेयर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट मेंबर को देता है जो उसके खास ही होते हैं, और कंपनी जो है वो कोई काम करती होती है नहीं, वो बस डिविडेंट रिसीव करती है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती है. यानी कि कंपनी का जो है मेन जो बिजनेस जो होता है वो बिजनेस कुछ नहीं होता है, बस कंपनी सिर्फ एक तरह से समझो आपकी शेडो कंपनी बना दी जाती है, और उस कंपनी के माध्यम से जो मिस्टर डिनसो होते हैं वो अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि टैक्स कम चुकाना पड़े. तो कंपनी बनाने का जो मेन पर्पस होता है मिस्टर डिनसो का टू रिड्यूस दैट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स इवेजन करना चाहते हैं. तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो इश्यू ये होता है कि लीगलिटी ऑफ कंपनी क्या है, यानी कि क्या कंपनी एक लीगल कंपनी है भी या नहीं है, या फिर कंपनी और मिस्टर डिनसो को एक मानते हुए कंपनी की लायबिलिटी को मिस्टर डिनसो की लायबिलिटी माना जाए और मिस्टर डिनसो को सारा का सारा टैक्स चुकाना पड़े. तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन ये होता है, कोर्ट ये कहता है कि ये जो कंपनी बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए बनी थी, तो ये जो है एक तरह से जाए तो मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर एक तरह से फ्रॉड आपने कमिट किया है, यानी कि कंपनी के आड़ में आप टैक्स बचा रहे हो, क्योंकि कंपनी तो आपको कोई काम करने दी है, तो ये कंपनी जो है वो एक जेन्युइन कंपनी नहीं है. और इस केस में जो एपेक्स कोर्ट होता है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देता है, यानी कंपनी और उसके जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के बीच की जो का जो पर्दा होता है उसको हटा करके दोनों को एक मानते हुए कंपनी की लायबिलिटी को मिस्टर डिनसो की लायबिलिटी मानी जाती है, और मिस्टर डिनसो को सारा टैक्स पे करना पड़ता है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा.